नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। सब कर रहे हैं 3 दिसंबर का इंतजार, हर कोई कर रहा है अपने अपने हिसाब से गुणा भाग, लेकिन न्यूज 18 नेटवर्क करता है तथ्यों के साथ बात। और इसीलिए आज हमारे साथ है एडिटर्स की एक ऐसी ब्रिगेड जो मध्य प्रदेश की राजनीति की हर एक नब्ज को पहचानती है, यहाँ के पॉलिटिकल टेम्परमेंट को समझती है। उन्हीं से हम करेंगे बात कि आखिरकार इस बार मध्य प्रदेश की हवाओं में, सियासी फिजा में क्या बदला और क्या नहीं बदला, और 3 तारीख को क्या होगा, किसकी किस्मत का पिटारा खुलेगा और किसके दावे हो जाएंगे हवा हवाई। हम बात करेंगे अपने खास मेहमानों से, लेकिन पहले मैं आपका परिचय करवा देती हूं कि हमारे साथ ऐसे कौन से वो बड़े संपादक हैं जो मध्य प्रदेश की सियासत का हर गुणा भाग गणित आपको समझाएंगे। हमारे साथ हैं, यहां से शुरुआत कर रहे हैं, मृगेंद्र सिंह जी हैं, एडिटर इन चीफ है राज एक्सप्रेस के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ है जगदीप सिंह बैस जी हैं, एडिटर है नया इंडिया भोपाल के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। गणेश साकल्ले जी हैं, ग्रुप एडिटर हैं स्टार समाचार। सर आपका भी स्वागत है। हमारे साथ अक्षय शर्मा जी हैं, प्रबंध संपादक हैं स्वदेश भोपाल रायपुर समाचार पत्र समूह एनालिसिस के। और साथ ही हमारे साथ है धनंजय प्रताप सिंह जी, स्टेट ब्यूरो चीफ है नव दुनिया के। तो ये एडिटर्स की पूरी फौज हमारे साथ है, और साथ ही इस फौज में हमारे अपने ब्रिगेडियर भी हैं, यानी कि न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के इनपुट एडिटर सुधीर दीक्षित जी भी हैं। उनका भी जो एक्सपीरियंस है, वो क्या रहा है इस चुनाव में, क्या बदला था और कैसा रहा जो वोटिंग ट्रेंड है या फिर प्रचार का तरीका, कितना बदला था वो जानेंगे। तमाम संपादकों के साथ इस बातचीत की शुरुआत करेंगे, लेकिन सुधीर जी पहले मैं आपका एक्सपीरियंस समझना चाहूंगी, क्योंकि आपने कई चुनाव देखे, इस बार क्या अलग था? अपर्णा, जिस तरीके से मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार का चुनाव पूरे तरीके से अलग चुनाव होगा, उसी तरह का नजारा अभी भी देखने में मिल रहा है। लगातार चुनाव जब हो गया, मतदान हो गया है, और अब जो इंतजार हो रहा है वो इसका, इस बात का है कि किसकी सरकार आने वाली है। जैसे आपने कहा कि क्या एक्सपीरियंस रहा, तो एक्सपीरियंस इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के किसी भी राज्य का संभवतः ये इकलौता चुनाव या पहला ऐसा चुनाव है जहां पर 5 साल के कार्यकाल में दोनों सरकारों का, उनके कामकाज का विश्लेषण होगा। जैसे आप देख सकते हैं कि 18 महीने की सरकार कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे उसमें, उसके बाद बाकी के जो सरकार थी, तकरीबन 3.5 साल की सरकार शिवराज सरकार बीजेपी की सरकार थी। तो जनता के पास इन 5 साल का अगर हम लेखा जोखा देखते हैं तो दोनों के पास अपने कामकाज लेकर जनता के पास जाने का मौका था, वो गए भी है। लेकिन जहां तक मुद्दों की हम बात करते हैं, मुद्दों को लेके जब हम प्रदेश भर में गई, न्यूज 18 की टीम अलग अलग जगहों पर गई है, उसने जब देखा है तो वहां पर कई ऐसी चीजें नजर आई जो इस चुनाव को अलग बनाती हैं। तो ये देखने वाली बात इसमें ये है कि अब जिस तरीके से मतदान हुआ है और 3 तारीख का इंतजार सभी लोगों को है कि क्या नतीजे निकलेंगे, और साथ में हमारे साथ जो एडिटर्स हैं इनके विश्लेषण से न्यूज 18 पर इस सबसे बड़े पोल के जरिए, सबसे बड़े एनालिसिस के जरिए हम अपने दर्शकों तक ये चीज लेकर आए हैं कि मध्य प्रदेश की सियासत आखिर किस दिशा में जाएंगी या किस दिशा में जाने की संभावना नजर आती है, उस पर हम बात करेंगे। थैंक यू सो मच सुधीर सर। और अब मैं मृगेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगी। हर बार जब वोटिंग ट्रेंड आता है निकलकर, वोटर्स टर्नआउट आता है, तो उसको देखकर तरह तरह की बात कही जाती है। अपना एक आकलन की एक अलग परिपाटी रही है कि इस बार ज्यादा ट्रेंड हो गया, सत्ता के खिलाफ हो गया, इस बार ऐसा ट्रेंड रहा। लेकिन अब 2023 में जो वोटर्स टर्नआउट रहा, उससे क्या भाप आया? देखिए, जो वोटर्स का इस बार देखने में मिला है, तो ये तो नहीं कहा जा सकता कि क्या हुआ है, लेकिन जिस तरह से मध्य प्रदेश में मतदाता ने काफ़ी बढ़ चढ़ के वोटिंग में हिस्सा लिया और रिकॉर्ड मत हुए हैं, उसके आधार पर ये नहीं कह सकता कि सत्ता के खिलाफ था या सत्ता के पक्ष में था या और किसी के लिए था। लेकिन अगर हम अलग अलग क्षेत्रों की बात करें तो आपको अलग अलग रिपोर्ट देखने को मिलेगी। मध्य प्रदेश कई क्षेत्रों में बटा हुआ है। हम बात करें जहाँ हम खड़े हैं, मध्य क्षेत्र है, इसके बाद मालवा निवाड़ है, ग्वालियर चंबल है, बुंदेलखंड है, महाकौशल और विंध्य प्रदेश जी। ये अगर टोटल इनाल देखा जाए, जो मतदान हुए हैं या वोटिंग हुई है या जो जनता का रुझान है, तो विंध्य प्रदेश, ग्वालियर चंबल और
बुंदेलखंड में कांग्रेस को थोड़ी सी एज मिल सकती है, लेकिन वही अगर अपन मालवा जाएंगे, निवाड़ जाएंगे, तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा सा एज मिल सकता है। और कहा भी जाता है कि जो मालवा निवाड़ में जीतता है सरकार उसी की बनती है, लेकिन इस पर सर आपसे विस्तार से बात करेंगे। हर क्षेत्र इलाके जो हम संभागों की बात कर रहे हैं यहाँ पर एरियाज की बात करें, लेकिन बैस जी मैं आपसे एक और सवाल यहाँ पर समझना चाहूंगी। लाडली बहना योजना का शिवराज सिंह चौहान ने खूब प्रचार किया और उन्हें विश्वास भी है, कहा भी उन्होंने मैहर में जाकर कि हमें बहुत महिलाओं का समर्थन मिला है, क्या आप वाकई देख रहे हैं कि वो पूरा चुनाव पलटने का मादा उस योजना में रहा? देखिए, जहां तक लाडली बहना की बात है तो उसको पूरी तरह से समझना पड़ेगा जमीन में जाकर। चूंकि मैंने लगभग 50 विधानसभा क्षेत्र में दौरा किया है, बहुत बारीकी से देखा है। मध्य प्रदेश में 1,31,00,000 लाडली बहना है, इसमें से 50% महिलाएं ऐसी हैं जो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी को वोट देती आई हैं। तो 50% आप निकाल दीजिए तो 90 और उसमें से 74% महिलाओं ने वोट दिया है, यानी 96 लाख महिलाओं ने वोट दिया है। उसमें से 50% महिलाएं ऐसी हैं कि जिन्होंने हमेशा से भारतीय जनता पार्टी को वोट देती आई हैं। तो आपके पास बचे 48 लाख में ये मान के चलिए कि 50% महिलाएं ऐसी हैं जो हमेशा से, उनको 1250 नहीं 12050 भी दीजिए तो वो कांग्रेस को ही वोट करती आई हैं। तो आपके पास बचे 24 लाख। अब 24 लाख में से 4 से 5 लाख 6 लाख में मुस्लिम महिलाएं हैं, ऐसी महिलाएं हैं जो हमेशा हाथी पर ही सवार रहती हैं, बहुजन को ही उनकी वोट जाती है, कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो गोंडवाना को वोट जाती हैं। तो कुल मिला के जो लाडली बहना का आंकड़ा बचता है वो बचता है 18 लाख, और 18 लाख को आप 230 विधानसभा में बांट दीजिए तो मेरी समझ में ये है कि मेरा जो अनुमान है, जो मैंने देखा है कि एक विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को लाडली बहना का केवल 7,000 वोटों का फायदा होता हुआ दिख रहा है। ये एक बात हो गई लाडली बहना। इसके बाद जब हम जाएंगे, इस चुनाव में देखा हमने कि भारतीय जनता पार्टी के पास केवल एक मुद्दा था लाडली बहना, जबकि जो युवा वर्ग है वो इस बार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं था, कर्मचारी वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ बिल्कुल नहीं था, किसानों को कर्ज माफी दिख रही थी, उनको बिजली का बिल माफी दिख रहा था, इसकी पुष्टि भी की हमने। जो बैंकों में जब हमने बात की तो जो उनका ब्याज का पैसा है, चाहे सहकारी बैंक हो चाहे स्टेट बैंक हो, वहाँ पर उनका पैसा पहुँच गया ब्याज का, किसानों के पास उनके पास फोन भी गए कि आप ब्याज का पैसा आ गया, मूलधन जमा कर दीजिए तो आपका आपको एन उसी मिल जाएगी। तो किसान इसलिए नहीं गए, किसानों का ये कहना था कि हमारा तो कांग्रेस सरकार आ रही है, हमारा तो कर्ज माफ हो जाएगा। जी, ये बहुत अच्छी आपने बात कही कि लाडली बहना योजना का सर किसान कर्ज माफी से तोड़ ढूंढ पाए कांग्रेस ही, या इसी उम्मीद में रहे कि एंटी इनकम्बेंसी क्या पता हमारे फेवर में चली जाएगी? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि मध्य प्रदेश जो है ना, इसको पहले अगर हम इसका एनालिसिस करें तो मध्य प्रदेश समझना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश जो बना है वो 4-5 हिस्सों से मिलकर बना हुआ है। और इसमें सब जो आपने लाडली बहना का जिक्र किया, लाडली बहना एक तरह से चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का मास्टर स्ट्रोक है ये। अब ये मास्टर स्ट्रोक जो है ये बाउंड्री पे कैच होता है या सिक्सर लगता है, ये आपको 3 तारीख को मालूम पड़ेगा। मगर ये वो जिस हिसाब से महिलाओं का वोट परसेंटेज बढ़ा है या महिलाओं ने जितनी तादाद में वोटिंग करी है, ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसका असर है। और ये असर की अगर बात करूं तो मेरी जो 1-to-1 कई कांग्रेस के जो कैंडिडेट्स हैं उनसे बात हुई, उन्होंने खुद इस बात को स्वीकार किया था कि 2.5% से लेकर के 5% तक हमारे क्षेत्र में इसने हमारा गणित बिगाड़ दिया काफ़ी। तो ये स्थिति निकल के आई है कई इलाकों में, और बहुत बड़ा वोट बैंक है महिलाओं का। जितने भी सर्वे आ रहे हैं उन सब सर्वे में अधिकांश लोग बात करते हैं जेंट्स से कि भाई क्या माहौल है क्या है, पर जो महिला घर का कामकाज करती है उसका तो कहीं कुछ जिक्र कहीं दिखाया ही नहीं जाता, या उसका कोई किसी ने वोटिंग के बाद ये दिखाया नहीं कि उन्होंने कहाँ वोट किया या क्या किया। तो ये बहुत बड़ा ये है, और आप देखिए क्या कि जब रिजल्ट आएंगे तो बड़े चौंकाने वाले रहेंगे जी। और दोनों ही दलों के कई जो दिग्गज हैं वो आपको मिलेगा कि धराशायी हो गए अपने अपने क्षेत्र में जी। अक्षय जी, महिला मतदाताओं को तो हर कोई लुभाना चाहता है, लेकिन महिला प्रत्याशियों की संख्या हर पार्टी में कम ही देखने को मिलती है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है कि जितने क्षेत्रों में मैं घूमी, भले ही लाडली बहना योजना का असर दिख रहा हो, लेकिन युवा जो फर्स्ट टाइम वोटर्स थे उनमें नाराजगी थी चुनावी रेवड़ियों को लेकर,
क्या आपने भी वो ट्रेंड देखा या अभी तक पार्टी उसको नब्ज को नहीं पकड़ना चाह रही है, छूना नहीं चाह रही है? निश्चित रूप से ये मुद्दा भी दोनों ही पार्टियों के प्रमुख चिंतकों के नज़र में होगा ही कि नव युवा वोटर जो हैं वो इस बार जो वोट करने जा रहे हैं उन्होंने अपने जीवन का पहला चुनाव ये देखा है और उस पूरे जीवन काल में उन्होंने भाजपा की ही सरकार देखी है, तो उनके लिए ये एक पहला मौका होगा कि भारतीय जनता पार्टी के 18 साल के जो कार्यकाल है उस पर वो अपना निर्णय किस रूप में देते हैं। अगर वो उससे संतुष्ट होंगे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वो वोट जाएगा। लेकिन अभी जो आपने अन्य संपादकों के साथ में बातचीत करी महिला वोटर और लाडली बहना योजना के संबंध में, तो इस बार जो वोटिंग हम सभी लोग जानते हैं कि अभी तक के मध्य प्रदेश के इतिहास में सबसे अधिक वोटिंग हुई है, लगभग 77.15% वोट इस बार हुआ है जो कि अभी तक के इतिहास में सबसे ज़्यादा है और इसमें महिला वोटर्स की सबसे बड़ी संख्या है, पिछली बार से भी ज़्यादा इस बार वोट हुआ है। उन्होंने वो डिसाइसिव वोट होगा और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस ने भी नारी सम्मान योजना के माध्यम से जो घोषणा करी थी वो कितनी वो महिला वोटर्स के को वो उसके बारे में कन्विंस कर पाए हैं, उनको सहमत कर पाए हैं, ये हम 3 तारीख को देखेंगे। लेकिन एक बड़ी नेल वाइटिंग फिनिश की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। हम किसी को भी इस समय कोई आंकड़ा देने की स्थिति में कोई भी नहीं होगा, लेकिन एक बहुत रोचक चुनाव परिणाम की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। जी धनंजय जी, क्योंकि आपने बहुत सारे चुनाव कवर देखे हैं और उन्हें बहुत नजदीकी से मध्य प्रदेश की सियासत को आप समझते भी हैं, महिला मतदाताओं की कतारें देखकर हर कोई खुश था, जो टीवी पर देख रहा था वो भी और जो बूथ पर थे वो भी, लेकिन आपसे समझना हम चाहेंगे कि इस बार के चुनाव के दौरान आपको क्या अलग दिखा, चाहे वो प्रचार की बात हो, वोटिंग ट्रेंड की बात हो या जिस स्पिरिट से पार्टियां उतरी मैदान में। देखिए अपर्णा, अगर हम चुनाव प्रचार से बात शुरू करें तो देखो चुनाव प्रचार भी एक आक्रामक तरीके से शुरू हुआ था और खासतौर से भाजपा के चुनाव प्रचार को आप देखें कि कितना आक्रामक रहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ आकर के 14 रैलियाँ की, रोड शो किए, तमाम कई राज्यों के 5-6 राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ आए, केंद्रीय मंत्रियों की जो लाइन लग गई, जिस तरीके से उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश को मथा था और केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को नीचे तक के पहुँचाया था, तो मुझे लगता है कि प्रचार में तो भाजपा बहुत आगे रही थी अपना। दूसरी बात आपने कही महिलाओं के ट्रेंड को लेकर के, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए अपर्णा, इस बार मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव ऐसा है जिसमें पहली बार महिलाओं ने 2% वोट ज़्यादा डाले हैं। पहले अपन बात करें मतदाताओं की, महिला मतदाताओं की संख्या पे, तो इस चुनाव में लगभग 23 लाख नई महिला मतदाता बनी थी। इसका मतलब यह है कि काफ़ी तादाद में महिलाओं का वोट परसेंटेज बढ़ा है और कहीं ना कहीं इसको हमें उन महिला केंद्रित योजनाओं से जोड़ करके देखना होगा जो केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं और खासतौर से हमारी लाडली लक्ष्मी से लेकर के लाडली बहना का योगदान भी इसमें हो सकता है कि महिला बहुत ज़्यादा तादाद में वोट देने के लिए निकली हैं। और मुझे लगता है कि अभी इनका वोटिंग पैटर्न को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो लाभार्थी वर्ग है वो लाभ देने वाली सरकार के साथ में ही मुझे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा बड़ा फैक्टर किसानों का है अपना मध्य प्रदेश में, कि ये किसानों का बड़ा वर्ग भी किसके साथ जाएगा सरकार, जिसके साथ जाएगा सरकार मुझे उसी की बनती हुई दिखाई देगी। एक किसानों के साथ में हम देखेंगे कि जब मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोटिंग होने वाली थी तो 15 नवंबर 14 नवंबर के आसपास में केंद्र सरकार की जो किसान सम्मान निधि डाली जाती है 2-2 हज़ार रुपये की किस्तें, वो किस्त भी पूरे देश भर में डाली गई थी, तो उसका भी पैसा मध्य प्रदेश के किसानों को आया था और जिन क्षेत्रों में मैं गया था वहाँ के किसान वो किसान सम्मान निधि पाकर के बहुत प्रसन्न थे और उनकी प्रसन्नता जो है उनके वोटिंग ट्रेंड का संकेत कर रही थी। तीसरा इशू है पढ़ना, मध्य प्रदेश में एक आदिवासी वोट बैंक बड़ा फैक्टर है जी, और इस बार आदिवासी वोट बैंक में मुझे काफी तब्दीली नजर आ रही है। सर, उसको भी आपसे बिल्कुल विस्तार से हम बात करेंगे क्योंकि आदिवासी सीट्स पर भी किस तरह से वोटिंग ट्रेंड रहा उस पर भी विस्तार से बात करना तो बनता ही यहाँ पर, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग चुनाव ये रहा है मध्य प्रदेश का। और आप देखिए स्क्रीन पर टॉप बैंड भी देख रहे होंगे ना कि विंध्य में किसकी होगी जीत, महाकौशल में किसका दिखेगा कौशल, ये बहुत जानना जरूरी हो जाता है क्योंकि 2018 में बीजेपी का वोटिंग परसेंटेज ज्यादा था लेकिन सीटें कम थी। 2023 में कौन से क्षेत्र से बीजेपी को मजबूती मिल सकती है या कौन सा ऐसा गढ़ है जहां वो कमजोर हो सकती है या फिर
क्या ग्वालियर चंबल में सिंधिया के साथ के बिना कांग्रेस अपने हाथ को मजबूत कर पाएगी, इस पर भी हम विस्तार से बात करेंगे। मध्य प्रदेश के उन 6 हिस्सों के बारे में जहां पर ये माना जाता है कि कहां कौन ज्यादा आगे निकल रहा है, कौन पीछे निकल रहा है, चाहे हम सागर की बात करें, बुंदेलखंड की बात करें, या फिर ग्वालियर चंबल की, विंध की, महाकौशल की, या मालवा निमाड़ की, जहां पर 66 सीटें, और कहा यह जाता है कि सबसे ज्यादा जो मालवा निमाड़ के लोगों का दिल जीत पाता है उसी की सरकार बनाता है। यहां समझना होगा मृगेंद्र जी, अगर हम विंध की बात करते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो बीजेपी का गढ़ रहा है विंध। बिंद बीजेपी का गढ़ पिछले बार 2 चुनाव से बिंद प्रदेश हमेशा समाजवादियों का गढ़ रहा, लेकिन धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी ने उस पर कब्जा, और पिछली बार तो इतिहास ही बन गया था, 30 में से 24 सीटें बिंद प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। इसी कारण भारतीय जनता पार्टी इतने क्लोज मार्जिन तक जाकर पहुंची थी। अगर बिंद प्रदेश में कहीं जो ट्रेंड वहां रहा है 40-50 या 40-60, तो शायद भारतीय जनता पार्टी 3 के आंकड़े को नहीं छू पाती। तो इसलिए बिंद प्रदेश में, लेकिन बिंद प्रदेश की जो सबसे ज़्यादा स्थिति है, बिंद प्रदेश हमेशा चाहे कितनी भी योजनाएं कुछ हो, लेकिन वहाँ जातिवादी गणित सबसे ज़्यादा हावी रहता है। किसकी जात कितनी है, किधर वोट गए, इस पर सबसे ज़्यादा निर्भर कर। हम सुन रहे थे लाडली बहनों को लेकर या किसानों को लेकर, सब अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन बिंद प्रदेश में जातिवाद इतना हावी है, अगर उस जाति का उनका कैंडिडेट खड़ा है, उम्मीदवार खड़ा है, क्योंकि यूपी से इसका बॉर्डर लगता है, इसलिए असर है वहाँ की राजनीति का। हाँ, तो वहाँ का असर है, तो उसमें आप देखिएगा कि उस जात के, भले उसको लाडली बहना का लाभ मिल रहा हो या किसान का लाभ मिल रहा हो, वो उसी के साथ जाएगा जो उसके जात का उम्मीदवार है, चाहे वो जिस पार्टी से हो। तो वहाँ के बारे में ये कहना कि किसान ऋण माफी या लाडली बहना योजना का लाभ, तो उसका उतना वहाँ असर नहीं होगा जितना अन्य जगह हो सकता है। ऐसी कोई सीट आप देख रहे हैं जहां पर मुसीबत हो सकती है या ये जात फैक्टर कई टफ फाइट बना सकता है? नहीं, आप हर सीट पे उठा के देख लीजिए, आप रीवा जिले की, चाहे रीवा सीट देख लीजिए, राजन शुक्ला, दोनों ब्राह्मण आमने सामने हैं। यहाँ अदर जात जो होंगी, विशेषकर ओबीसी, अल्पसंख्यक वर्ग या और समाज अधिक निर्णय करेंगे कहाँ किसका होता है। और आप एक त्योंथर सीट जो कि सबसे चर्चित सीट है, वहाँ जहाँ स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी विधानसभा अध्यक्ष के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में 2 दिन पहले शामिल हुए और भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया चुनाव, वहाँ से लगता है मुझे जिता जाति समीकरण वहाँ हावी है, शायद ही कहीं आपको देखने को मिले। लेकिन होता क्या है, जब एक जात कहीं एक होता है तो दूसरी जातियाँ वो भी एक हो जाती हैं। इस बार मध्य प्रदेश में ओबीसी जनगणना की बात करें, ओबीसी मतदाता काफी कुछ एक हुआ है, और वो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार के हिसाब से गया है। तो ये ओबीसी के बारे में ये नहीं कह सकते कि जहां भी क्या है एक तरफ गया है, वो उसने अपना उम्मीदवार देखा है कि हमारा कौन उम्मीदवार है उसकी तरफ गया है। इस कारण ये जो जाति समीकरण वहाँ कितने किस पर भारी हो पाते हैं, इसी पर वहाँ का चुनाव परिणाम निर्भर करेगा। जी जगदीप सर, जब सीधी से रीति पाठक को उतारा गया तो क्या हुआ वहाँ पर, वो हम सब ने देखा, और सांसदों की फौज बीजेपी ने उतार दी, तो उसको लेकर सबके अपने अपने आकलन थे। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये स्ट्रैटेजी के तहत किया गया और ये स्ट्रैटेजी बेनिफिशियल रहेगी पार्टी के लिए, और या पुराने चेहरों को रिपीट करना ये पार्टी के लिए बेनिफिशियल रहेगा? देखिए, सबसे पहली बात, भारतीय जनता पार्टी के जो हाईकमान है, उन्होंने ये मान लिया कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा कमजोर है, यहाँ की लीडरशिप पर उनको बिल्कुल भरोसा नहीं था, इसीलिए उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश को अपने हाथों में ले लिया, पूरी चुनाव की रणनीति को अपने हाथों में ले लिया, और उनको लगा कि हालात बहुत ज़्यादा खराब हैं, इसीलिए जो मजबूत उनके नेता थे, जो केंद्रीय मंत्री थे, जिनका मध्य प्रदेश में पूरा प्रभाव है, बल्कि देश में प्रभाव है, उनको मध्य प्रदेश में अलग अलग जगह से उतार दिया गया। उतारा भी कैसे, जैसे नरेंद्र सिंह तोमर, उन्हें कहाँ से उतारा गया कि जो ठाकुर बाहुल्य सीट है वहाँ से उनको उतारा गया, ताकि वहाँ के जितने ठाकुर वोटर हैं उनको प्रभावित कर सकें। प्रहलाद पटेल जी को नरसिंहपुर से उतारा गया, क्यों उतारा गया, क्योंकि महाकौशल की जो महाकौशल और बुंदेलखंड में लोधी मतदाता जो हैं वो निर्णायक भूमिका में रहते हैं, तो पार्टी को ये लगा होगा कि निश्चित तौर पर वहाँ पे बुंदेल महाकौशल और बुंदेलखंड में फायदा मिलेगा। आप देखिएगा कैलाश जी को वहाँ उतारा इंदौर में, ताकि एक व्यापारी वर्ग है उनका जुड़ा हुआ है, व्यस्त समाज से वो है, उनका अच्छा प्रभाव व्यापारियों में अच्छा प्रभाव है, तो उसका फायदा पार्टी को मिला। लेकिन हुआ क्या,
हुआ ये कि ये नेता अपनी ही सीटों में फंस गए। जो पार्टी ने सोचा था कि हम इनको करके आसपास की सीटों को प्रभावित करेंगे, वो हो नहीं पाया, बल्कि ये नेता उल्टा फंस गए हैं। मुझे ये लगता है कि यदि हाईकमान मध्य प्रदेश की जो लीडरशिप थी उन्हीं को मौका देती तो भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत बड़ा फायदा हो सकता था। जहां तक लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना की बात कर रहे हैं, यदि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान एक फेस होते सीएम का, तो निश्चित तौर पर जो आज दावा किया जा रहा है कि लाडली बहना का फायदा मिलेगा, वो निश्चित तौर पर मिलता। लेकिन आज जो हालात है लाडली बहना का, आप मध्य प्रदेश में देखेगा एक विधानसभा में मुश्किल से 6000 और 7000 मैक्सिमम बता रहा हूं मैं, इससे ज्यादा लाडली बहना का फायदा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि शिवराज सिंह चौहान का फेस नहीं था वहां पर, फेस था प्रत्याशियों का, और उन प्रत्याशियों का जिनसे जनता चिड़ी हुई बैठी थी। जनता यह चाहती थी कि इन प्रत्याशियों को बदला जाए। यदि भारतीय जनता पार्टी नए प्रत्याशी देती तो निश्चित तौर पर उनको वहां फायदा मिलता। अभी जब रिजल्ट आएंगे तो आप देखेगा जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है, जो वहां का माहौल था, जो खामोशी का माहौल था, जो बदलाव का माहौल था, वो निश्चित तौर पर यह है कि जब आप देखेंगे रिजल्ट आएगा तो बड़े से बड़े भारतीय जनता पार्टी के जो कद्दावर मंत्री कहलाए जाते हैं, बदलाव की आंधी में आप देखेगा सूखे पत्ते की तरह उड़ते हुए नजर आएंगे। मतलब बड़े चेहरे भी अपनी सीट नहीं बचा पाएंगे, ये कहना है सर का। साकल सर, एक और चीज समझना चाहूंगी, आपको इस पूरे चुनाव में क्या लग रहा है कि कौन सा एरिया ऐसा रहेगा जो एक सरप्राइजिंग फैक्टर निकल कर आएगा? देखिए अपर्णा, की इस बार जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज देखने की है वो है ग्वालियर चंबल में। ग्वालियर चंबल में देखने की सबसे ज्यादा जरूरत इसलिए है कि वहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो कांग्रेस के पिछली बार स्टार कैंपेनर थे, और इसी वजह से आपने देखा होगा कि पिछली बार बीजेपी को वहां से बढ़त उतनी नहीं मिल पाई जितनी मिलती रही। और इस बार जब सिंधिया नहीं है कांग्रेस के साथ, और तब ये माना जा रहा है, यह बड़ी एक हवा चल रही है कि साहब ग्वालियर चंबल में बड़ा भारी चेंजेस होने वाला है, बड़ा परिवर्तन होने वाला है, तो ये परिवर्तन कितना होता है, कितना असर करता है। अब पिछली बार 7 सीटें ग्वालियर चंबल में जो है बीजेपी जीत पाई थी, और सिंधिया के असर के कारण ये माना जाता है कि ज़्यादातर सीटें कांग्रेस ने जीती थी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट देखने वाला एरिया रहेगा ग्वालियर चंबल का। और दूसरा जो आपको मैं बताऊं सरप्राइज इस बार जो मिलने वाला है, वो मिलने वाला है मालवा से, मालवा निमाड़ से। और जो अभी आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो मालवा निमाड़ में जो अपना मतलब जलवा बिखेरता है, या मालवा निमाड़ में जो जीत कर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आता है उसी की सरकार बनती है, तो मालवा निमाड़ में इस बार थोड़ा चेंजेस है पिछली बार से। और उसका एक जो अभी एक आपने बड़ी अच्छी बात कही कि जो कद्दावर नेताओं वाली, तो मैं ये बता दूं आपको कि कद्दावर नेताओं को भी बीजेपी ने बड़ी स्ट्रेटेजी के तहत उतारा है। स्ट्रेटेजी ये है कि ये नेता लोग जो है वो अपने अपने चुनाव लड़ें, कहीं सेबोटेज ना कर पाएं, और सेबोटेज जब नहीं करेंगे, और पार्टी हाईकमान ने एक तरह से मध्य प्रदेश के पूरे इलेक्शन कैंपेन को हाईजेक कर लिया था, और पूरा जो आप देख रहे होंगे कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद यहाँ की कमान संभाले हुए थे, भूपेन यादव को यहाँ का बनाए इंचार्ज, अश्विनी वैष्णव यहाँ पे आए, तो उनकी जो रणनीति है, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव तो है ही है, इसके साथ वो देख रहे हैं अगला 2024 का लोकसभा चुनाव भी, तो इसको जोड़कर इसको देखना होगा। अक्षय जी, क्या एंटी इनकम्बेंसी एक ऐसा फैक्टर था जिसकी वजह से बीजेपी जो टॉप लीडरशिप है वो आखिर के दिनों में इतना एग्रेसिवली होके फ्रंट लीड कर लेती नजर आई है, और तभी कहा जा रहा है कि बीजेपी ने आखिरी के दिनों में गेम चेंज किया है? निश्चित रूप से आखिरी के 2 महीनों में हवा बदली हम सबने महसूस किया है, लेकिन 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी उतना अपना प्रभाव नहीं दिखा रही है जैसा कि सभी लोग अपेक्षित कर रहे थे, जितना कि कांग्रेस ने भी एंटिसिपेट किया था। तो उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर लगभग काफ़ी इम्प्रूव करती हुई दिख रही है। और आपने जैसा भी पूछा कि कौन से क्षेत्र में सरप्राइज फैक्टर रहेगा, तो मैं गणेश साकल्ले जी की बात से सहमत हूँ कि इस बार मालवा निमाड़ जो है, जो पिछली बार 66 सीटें हैं जहाँ से पिछली बार कांग्रेस को बढ़त मिली थी, वो निश्चित रूप से इस बार सरप्राइज फैक्टर रहेगा। वहाँ से मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छा कर सकती है, और मध्य में भी यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन हो सकता है। तो ओवरऑल जो सिनेरियो पूरे मध्य प्रदेश का बन रहा है उसमें क्षेत्रवार जो है
वो कांग्रेस जो है चंबल जैसा बताया कि चंबल में अच्छा प्रदर्शन हो सकता है, और विंध्य में भी वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार मृगेन जी ने कहा कि 24 सीटें वहाँ पर जीती थी, तो वैसा प्रदर्शन अगर रिपीट कर लेती है तो वो एक बहुत उनके लिए बड़ा अच्छा संकेत होगा। लेकिन वहाँ पर भी कांग्रेस जो है वो अपना वापस से अपनी वापसी कर सकती है, और इस हिसाब से लगभग पूरे प्रदेश में जो परिस्थितियां बनती हुई दिख रही हैं उस हिसाब से हमें एक रोचक मुकाबले का इंतजार रहेगा 3 तारीख को। बिल्कुल, तो इंतजार तो है ही और रोचक मुकाबला हुआ भी है, इसलिए लगातार हम राय जाने की कोशिश भी कर रहे हैं। मृगेंद्र सर, आपका एक्सपीरियंस क्या कह रहा है कि ऐसा कौन सा एरिया है जिन एरियाज में कांग्रेस सरप्राइजिंगली अच्छा करने जा रही है, और कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर उसे चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? अपर्णा, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस जो है इस बार बुंदेलखंड में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहने की उम्मीद है। दूसरा, विंध्य क्षेत्र जो है, विंध्य क्षेत्र में 30 विधानसभा क्षेत्र हैं, पिछले बार कांग्रेस के पास मात्र 6 सीटें आई थी, तो निश्चित तौर पे विंध्य में भी कांग्रेस का प्रदर्शन कुछ सुधरेगा। और कांग्रेस को मुझे लगता है कि ग्वालियर चंबल में कुछ नुकसान हो सकता है, क्योंकि पिछले बार 34 सीटों में वहाँ 6 सीटें बीजेपी को आई थी, 1 बीएसपी को गई थी, और 27 सीटें मुझे लगता है कि कांग्रेस को आई थी, तो कांग्रेस की सीटें चंबल ग्वालियर में कुछ कम हो सकती हैं, तो बीजेपी की सीटें चंबल ग्वालियर में बढ़ेंगी। जी जगदीप सर, एक और सवाल यहाँ पर ये बनता है कि अगर हम महाकौशल की बात करें, महाकौशल का गणित क्या रहता है, पहले तो वो समझा दीजिए दर्शकों के लिए, और दूसरा ये कि इस बार क्या वहाँ होने वाला है? देखिए, महाकौशल में आप देखेंगे जबलपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, बालाघाट, ये सब जिले, मंडला, डिंडोरी, इन जिलों में 38 सीटों में 24 सीट पिछली बार कांग्रेस के पास थी। इस बार का चूंकि माहौल है, कमलनाथ जी खुद छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ रहे हैं, छिंदवाड़ा भी महाकौशल का हिस्सा है, निश्चित तौर पर उनका प्रभाव पूरे महाकौशल में है। और आप देखेगा कि इस बार, पिछली बार 24 सीटें थी कांग्रेस की, इस बार 24 प्लस होगी। उसकी वजह यह है कि जैसे जबलपुर की 8 सीटें हैं, 8 सीटों में केवल भारतीय जनता पार्टी की एकमात्र सीट है, वो केंट, जो विधानसभा के अध्यक्ष हुआ करते थे ईश्वरदास रोहाणी जी, उनके पुत्र वहां से विधायक हैं, तो उस सीट पर कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए तैयार नहीं है क्योंकि सभी को मालूम है कि वो भारतीय जनता पार्टी की पक्की सीट है। इसके अलावा कोई ऐसी सीट नहीं है जिसको आप बोल सकते हैं कि क्लियर है, जबकि कांग्रेस की स्थिति महाकौशल में बहुत अच्छी है। मंडला की बात कर लें, डिंडोरी की बात कर लें, जबलपुर की, सिवनी की, छिंदवाड़ा की, नरसिंहपुर की, इन सभी जिलों में कांग्रेस महाकौशल में बहुत मजबूत स्थिति में है। और महाकौशल के साथ जो हमारे साथी धनंजय जी ने कहा, बुंदेलखंड में भी कांग्रेस बहुत अच्छी स्थिति में है, इसके साथ विंध्य में कांग्रेस की पोजीशन बहुत अच्छी रहेगी। क्यों, इसकी वजह भी है क्योंकि पिछली बार कांग्रेस ने विंध्य में जो गलती की थी, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने वो गलती की है। मूल वजह यह होती है कि जो व्यक्ति, जो नेता पार्टी का पूरे 5 साल मेहनत करता है चुनाव लड़ने के लिए, अगर उसकी टिकट काट दी जाती है तो निश्चित तौर पर वह व्यक्ति चुनाव हराने के लिए सक्षम होता है। केदार शुक्ला का जिक्र कर रहे हैं, केदार शुक्ला भी है, बहुत सारे एग्जाम्पल, सभी सीटों में इस तरह का वहां पर हुआ है। इसीलिए विंध्य इस बार भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा, महाकौशल बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा, बुंदेलखंड जो थोड़ी बहुत अच्छा भी था, तो वहां जो एक राजनगर की घटना हुई उसने पूरे चुनाव को तहस नहस कर दिया। तो इस तरीके से आप देखिएगा, महाकौशल, विंध्य और बुंदेलखंड में कांग्रेस को बहुत जबरदस्त तरीके से लीड मिलने वाली है। इसके अलावा हमारे साथी ने जो कहा कि मालवा में कांग्रेस को नुकसान होगा, तो वो नुकसान की एक केवल इंदौर डिवीजन में आप देखिएगा। इसके अलावा यदि आप धार जाएंगे तो वहाँ भी कांग्रेस मुनाफे फायदे में है। निश्चित तौर पर ये वाला चुनाव बहुत ज़्यादा रोचक है, लेकिन जहाँ जहाँ मैं घूमा हूँ उन क्षेत्रों में लोग जरूर कहें कि ये टक्कर का चुनाव है, लेकिन आप देखिएगा वो चुनाव एक तरफा होगा, वहाँ पर जो मार्जिन होगा जीत का बहुत ज़्यादा होगा। उसकी वजह है भारतीय जनता की पार्टी के पास केवल एक मुद्दा था, लाडली बहना, और उसके अलावा वहाँ जो क्षेत्रीय चुनाव होता है केवल प्रत्याशियों का होता है, जो नया प्रत्याशी है और जो पुराना प्रत्याशी है निश्चित तौर पर उसकी एंटी इनकम्बेंसी होती है, और वो इस चुनाव में देखने को मिली है। जी जी मृगेंद्र सर, मध्य में अगर बात करें, मध्य प्रदेश के मध्य की जी, बीजेपी का गढ़ है ये, बिल्कुल है, इस बार क्या ऐसा ही रहेगा, बचा पाएगी बीजेपी? नहीं, देखिए बिंद मध्य गढ़ है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन अगर टोटल देखा जाए तो पिछले वाल के मुकाबले इस बार भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम होंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि कई जिले जैसे होशंगाबाद की बात करें या सीहोर की बात करें या विदिशा की बात करें, हरदा की बात करें,
उसमें कई इसमें ऐसी सीटें थी जिसमें कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली थी। बैतूल जिला जरूर था जिसमें भारतीय जनता पार्टी को एक सीट मिली थी, बाकी सीधे कांग्रेस को मिली थी। लेकिन ये जो जिले जिन जिलों में एक भी सीट नहीं मिली थी उन जिलों में इस बार कांग्रेस का खाता खुल सकता है। जी सकल सर, जब एक ही सीट पर दो प्रमुख दल जी एक ही जात के कद्दावर उम्मीदवारों को उतार दे तो फायदा क्या तीसरे का हो जाता है? देखिए क्या है, मैं आपकी संकेत समझ रहा हूं मैं, लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो जाति समीकरण का जो मामला अभी मगेन जी ने बताया वो यूपी से लगे बॉर्डर के एरियाज में ही काम करता है। बाकी जैसे मध्य की अगर आपने बात की है तो मध्य में ये उतना कारगर नहीं होगा। अब जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ बुरहानपुर का, कि बुरहानपुर में इस बार कुछ अलग हो सकता है। वहाँ पर अलग इसलिए हो सकता है कि वहाँ जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे नंद कुमार सिंह चौहान, उनके पुत्र को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। वहाँ से अर्चना टिटनिस बीजेपी की कैंडिडेट हैं, पिछली बार निर्दलीय जीते शेरा जो है वो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं। तो वहाँ पे जो ओबीसी की पार्टी है उसने वहाँ पे एक मुस्लिम कैंडिडेट दिया है। और बुरहानपुर में ऐसा पहले हो चुका है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों के नेताओं को नकार करके जनता ने वहाँ मुस्लिम कैंडिडेट को जिताया था। तो इस तरह की स्थिति मतलब यदा कदा इक्का दुक्का सीटों पे बनेगी। बाकी कोई ऐसा जो आपने जाति समीकरण की बात की है, एक जाति के दोनों कैंडिडेट खड़े हो गए, जैसे उदाहरण के तौर पे इछावर की बात आप कर रही हैं, मेरे ख्याल से दोनों खाती कैंडिडेट हैं, तो वहाँ पे क्या है कि जो अभी करण सिंह वर्मा जो वहाँ के हैं, करण सिंह वर्मा और उनके जो सामने खड़े हुए हैं शैलेंद्र, तो वो भी एक ही समाज के दोनों, मगर करण सिंह वर्मा वहाँ बहुत पुराने नेता हैं और उनका जो पूरा जो कैरियर है राजनीतिक कैरियर बहुत पाक साफ रहा है उनका। और मेरे ख्याल में वो इकलौते मंत्री थे पूरे शिवराज कैबिनेट में पिछली बार कि जो अपने साथ अपना टिफिन लेके जाते थे, पार्टी की मीटिंग हो या जिलों की बैठक हो, तो करण सिंह वर्मा का वहाँ काफ़ी अच्छा प्रभाव है जी। और अगर दोनों एक जाति के हैं तो मुझे लगता है कि करण सिंह वर्मा को वहाँ माइलेज मिलना चाहिए। और उसके पास बीजेपी का एक बड़ा संगठन है जिसका भी उनको लाभ मिलेगा और जो उनकी योजना है उसका लाभ उनको मिलेगा। तो इस तरह का यदा कदा इक्का दुक्का सीटों पे इस तरह की स्थिति है। तो यानी कि आपका ये कहना है कि जिन सीटें जो सीटें यूपी के बॉर्डर से लगते एरियाज में हैं, उन क्षेत्रों में हैं, वहां पर कास्ट फैक्टर का थोड़ा बहुत ट्रेंड देखने को मिल सकता है। सर एक और चीज, आदिवासी सीट का हम जिक्र कर रहे थे, आदिवासी सीटों का मध्य प्रदेश की सियासत में या चुनाव में क्या ट्रेंड अब तक रहा है और क्या उसी परिपाटी पर भी ये चुनाव हुआ है या कुछ बदला है? निश्चित तौर पर अपना देखिए, आदिवासी सीटों के ट्रेंड की बात करें अपन तो 1990 से अब तक के आदिवासी वोट बैंक जिस पार्टी के साथ जाता है उसी की सरकार बनती है। मध्य प्रदेश में मुझे ध्यान है कि 1990 में आदिवासी वोट बैंक पहली बार जो है भाजपा के साथ आया था, तब सुंदरलाल पटवा सरकार बनी थी। 1993 में यही आदिवासी वोट बैंक कांग्रेस के साथ चला गया तो कांग्रेस से सरकार बन गई। 2003 में भाजपा के साथ लौटा, भाजपा की सरकार आई। 2018 में भाजपा से आदिवासी वोट बैंक दूर हो गया था, भाजपा की सरकार चली गई। 47 सीट है पढ़ना मध्य प्रदेश में आदिवासियों की, और 2018 तक मतलब 2013 के चुनाव में 32 सीटें भाजपा के पास थी, और जब 2018 के रिजल्ट आए तो 32 से आदिवासी सीटों की संख्या बीजेपी के पास घट करके 16 हो गई और कांग्रेस की दोगुनी हो गई। तो देखिए आदिवासी वोट बैंक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है मध्य प्रदेश की राजनीति में अपना, और इस चुनाव में भी देखिएगा आदिवासी वोट बैंक जिसके साथ जाएगा सरकार उसी की बनेगी। पिछले बार जो है मालवांचल का आदिवासी पूरा कांग्रेस के साथ गया था, इस बार थोड़ा वहां तब्दीली दिखाई दे रही है, कुछ आदिवासी सीटों को भाजपा ने रिकवर किया है। लेकिन आदिवासी सीटों के मामले में महाकौशल में देखें तो कांग्रेस को वहाँ महाकौशल में नुकसान हो रहा है। वहाँ बीजेपी पिछले चुनाव में आदिवासी सीटों पर मतलब अपन कहें कि जीरो पर पहुंच गई थी, तो वहाँ बीजेपी ने कुछ आदिवासी सीटों को रिकवर किया है जी। अच्छा जी जी, ये जो धनंजय जी बात कर रहे हैं ट्राइबल एरियाज की या ट्राइबल सीट्स की, इसमें बड़ा एक मैं धनंजय जी को अपडेट कर देता हूँ कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी जो है वो भले ही चुनाव न जीत पाए, इक्का दुक्का उन्होंने सीटें जीती भी है पूर्व में, लेकिन आप देखिए कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने महाकौशल में काफ़ी डैमेज किया है कांग्रेस को। और उसी प्रकार आप देखेंगे कि जयस उम्मीदवार उतारते हैं, जयस के उम्मीदवार मालवा में, तो वो कांग्रेस को ही डैमेज करते हैं, तो उसका जो फायदा है वो बीजेपी को मिलता है जी।
अब त्रिकोणीय मुकाबले की बात कर लेते हैं अक्षत जी। यहाँ पर कई सीटों पर, जबलपुर में भी ऐसा कहा जा रहा है कि वहाँ पर भी कई ऐसी सीटें हैं जहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला है, क्या आप देख पा रहे हैं या फिर नहीं सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है, क्या कोई थर्ड फैक्टर कहीं भी हावी होगा? लगभग 15 ऐसी सीटें हैं इस चुनाव में जहां पर कि त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है, और उसमें हमारे नर्मदापुरम की भी एक सीट है जहां पर कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीताशरण शर्मा जी और उनके भाई गिरिजा शंकर शर्मा जी आमने सामने हैं, और वहां पर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं भगवती चौरे, तो इन्होंने वहाँ का मुकाबला को रोचक बना दिया है। और वैसे ही सतना से भी रत्नाकर चतुर्वेदी बसपा से चुनाव मैदान में है, और यहाँ पर गणेश सिंह जी और कांग्रेस से सिद्धार्थ कुशवाहा वो मैदान में है। तो ऐसी लगभग 15 सीटें हैं जहाँ पर कि धार की भी ऐसी सीट है, सुमावली की भी सीट है, भिंड में राकेश चतुर्वेदी जी और बीजेपी से नरेंद्र कुशवाहा हैं, वहाँ पर भी संजीव कुशवाहा ने मामले को त्रिकोणीय बना दिया है। तो ये सब जो सीटें हैं इन्होंने उन सब ये 15 सीटें बड़ी डिसाइसिव हैं, इनका परिणाम अंतिम समय में बहुत मायने रखेगा। तो ये सब इस पर सबकी नज़र रहेगी, और कई ऐसे भी इस बार कैंडिडेट रहे जो कि जिन्होंने पिछली बार अपना प्रदर्शन बहुत अच्छा किया था और वो जीत कर भी आए थे, या फिर वो जीत और हार के बीच के अंतर के कारण बने थे। इस बार संबंधित पार्टी ने उनको, भाजपा को अगर उससे नुकसान पहुंचा था तो भाजपा ने उनको टिकट दिया, यदि कहीं पर अगर कांग्रेस ने उनको अगर विनिंग कैंडिडेट माना तो कांग्रेस ने उसको टिकट दे दिया। तो इस तरह से जो त्रिकोणीय मुकाबले बन रहे हैं वो आखिर में बड़े डिसाइसिव होंगे, और वो सरकार बनाने और नहीं बनाने के बीच का अंतर साबित होंगे। जी सागर सर, कौन सी ऐसी सीट्स हैं हाई प्रोफाइल सीट्स खास तौर पर जहां पर आपको लग रहा है कि पेच फंसा हुआ है? देखिए, सबसे जो आपको देखेंगे हाई प्रोफाइल जो सीटें हैं वो मालवा की देखें, इंदौर, तो वहां पे कैलाश विजयवर्गीय और संजय शुक्ला का मुकाबला है। दिमनी में नरेंद्र सिंह तोमर है मुकाबले में, तो ये जो सीटें हाई प्रोफाइल हैं इन पे अजय सिंह है चुरट में, तो ये हाई प्रोफाइल सीटें, लक्ष्मण सिंह वहाँ से लड़ रहे हैं अपने चाचौड़ा से, तो इस तरह की जो सीटें हैं यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत ही मतलब दिलचस्प मुकाबले हैं, और आपको मतलब यानी ऐसे रिजल्ट आएंगे चौंकाने वाले कि आप उम्मीद नहीं कर सकते यहाँ से, क्योंकि यहाँ जिस तरह का ट्रेंड दिख रहा है वो उससे आप समझ लीजिए कि जो 3 तारीख को रिजल्ट आएंगे चौंकाने वाले, लेकिन किसके पक्ष में? नहीं, ये हम आपको इसलिए नहीं बोल सकते कि बीइंग ए जर्नलिस्ट हमारा ये कहना ठीक नहीं है, लेकिन हम आपको ये बताने, अभी आपने जो तीसरी एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी कि त्रिकोणीय मुकाबले की, तो मैं उसको और स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस ने इस बार एक बहुत बड़ी गलती करी है जो पिछली बार भी गलती करी थी, कि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी से उन्होंने समझौता नहीं किया, और इसी वजह से पिछली बार आपने देखा होगा कि बहुमत के करीब पहुंचने के बाद भी उनको सपोर्ट लेना पड़ा था निर्दलीय का और सपा और बसपा का, और वही गलती फिर इस बार करी है उन्होंने। तो इससे भी जो कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो रहा है, और बीजेपी में भी इस बार बागी हैं, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के बागियों में बड़ा अंतर ये होता है कि बीजेपी में व्यक्ति गौण है और कांग्रेस में व्यक्ति महत्वपूर्ण है। तो बीजेपी में क्या होता है कि संगठन उस गड्ढे को भर लेता है, लेकिन कांग्रेस में इंडिविजुअली आदमी इतना पावरफुल है कि वो ज़्यादा क्षति पहुँचा सकता है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि जो जहाँ त्रिकोणीय मुकाबले हैं वहाँ पे नुकसान कांग्रेस को ज्यादा होगा, बीजेपी को कम होगा। जी मृगेंद्र सर, सेंटर में अलायंस और स्टेट में एरोगेंस, ये अखिलेश यादव ने भी मंच से कहा है और कई जगह दूसरे और नेताओं ने भी जो कांग्रेस के साथ अलायंस में है सेंटर में, क्या आपको भी लगता है कि कांग्रेस को उसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है मध्य प्रदेश के अंदर? देखिए, निश्चित रूप से कई सीटें ऐसी हैं जिसमें सपा और बसपा कारण कांग्रेस को नुकसान होगा, तो निश्चित रूप से उसमें नुकसान होगा, और कुछ सीटें, एक आध सीट ऐसी भी हो सकती है जो समाजवादी पार्टी भी जीत सकती है। आप बहुत चौंकाने वाले परिणाम विंध्य प्रदेश देता रहता, हो सकता है आपको यहाँ आम आदमी पार्टी का भी खाता खुल जाए, लेकिन क्या होगा त्रिकोणीय चतुष्कोणीय मुकाबले में, जहाँ ऐसे मुकाबले हैं, कई जगह चतुष्कोणीय मुकाबला भी है, वहाँ जातिगत समीकरण जिसके फिट बैठ जाएंगे वही वहाँ चुनाव जीतेगा, वहाँ पार्टियाँ गौण हो जाती। जी, लंबे समय से जो विधायक रहा हो पार्टी का, अगर उसे हटाकर पार्टी उसका टिकट काट देती है तो पार्टी को नुकसान होता है या पार्टी उस नुकसान की भरपाई समझते हुए ही वो ऐसा कदम उठाती है? देखिए,
इसमें दो बातें हैं। यदि आप बात करेंगे कांग्रेस की, यदि कांग्रेस में आपने किसी को हटा दिया जो दावेदार था, तो ये निश्चित मानिए कि वो सीट कांग्रेस के कांग्रेस को हासिल ही नहीं होगी, निश्चित तौर पर हराने में वो सक्षम होगा। लेकिन यदि आप भारतीय जनता पार्टी के किसी कैंडिडेट को हटा दीजिए और किसी दूसरे को ला दीजिए, तो उससे उस सीट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो संगठन की पार्टी है और कांग्रेस जो है वो व्यक्तिगत वाली पार्टी है, यानी व्यक्ति ही चुनाव लड़ता है। इस चुनाव में आपने देखा होगा कि व्यक्ति ही चुनाव लड़ा, कांग्रेस पार्टी से संगठन से बहुत ज़्यादा तो हेल्प मिलती नहीं है। दूसरी बात, पैसे में भी कांग्रेस के प्रत्याशी बहुत कमजोर थे, लेकिन इस चुनाव में अद्भुत एक नज़ारा देखने को मिला कि प्रत्याशी का चुनाव कांग्रेस का, वो कांग्रेस प्रत्याशी का नहीं था, जनता स्वयं चुनाव लड़ रही थी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से। यह मामला हर जगह हर विधानसभा में देखने को मिला है कि जनता प्रत्याशी से ज़्यादा सक्रिय थे। आपने देखा होगा कर्मचारियों को, कर्मचारी कार्यकर्ताओं से ज़्यादा काम इसलिए कर रहे थे कि कांग्रेस की बने, क्योंकि उनको पुरानी पेंशन चाहिए। इसी तरह किसान इसलिए काम कर रहे थे क्योंकि उनको कर्ज अपना माफ कराना है, उनको बिजली का बिल अपना माफ कराना है, उनको फ्री बिजली चाहिए। और नए युवाओं में तो जोश था ही, इसलिए आप कहीं भी जाइए बदलाव की बयार इतनी ज़्यादा है कि आपको 2003 का चुनाव याद आएगा। मतलब यदि 2003 वो था तो 2023 उसका बड़ा भाई है। अंतर केवल ये है कि 2003 में केवल 10 साल के शासनकाल में दिग्विजय सिंह जी का बहुत ज़्यादा विरोध हो गया था, जनता उनसे बहुत ज़्यादा नाराज हो गई थी। 2023 में जनता परिवर्तन के मूड में है, सरकार को बदलना चाहती है, लेकिन 18.5 साल के शासन के बाद भी व्यक्तिगत तौर पर शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ जनता में नाराजगी नहीं है। ये शिवराज सिंह चौहान की बड़ी उपलब्धि है, लेकिन जनता इस चुनाव में पूरी तरह से बदलाव के मूड में थी, है, जो हमको क्षेत्र में देखा, निश्चित तौर पर इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा। धनंजय जी, 23 का चुनाव 24 के चुनाव पर असर डालेगा, जिस तरह से जगदीप जी कह रहे हैं कि जनता बदलाव चाहती थी, वो लहर देखी, क्या कांग्रेस के पक्ष में वो लहर आपने भी देखी? देखिए अपर्णा जी, कांग्रेस के पक्ष में एकदम लहर चल रही हो ऐसा तो मुझे महसूस होता नहीं, क्योंकि देखिए कांग्रेस, मुझे लगता है कि कांग्रेस सिर्फ इस भरोसे चुनाव लड़ रही थी कि एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है, 18 साल 19 साल की सरकार है तो जनता हमें चुनाव जिता के सत्ता में ला देगी। इसके अलावा कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा कोई यूनाइट होकर के, एकजुट होकर के चुनाव नहीं लड़ा। आप थोड़ा सा चुनाव के पहले के दौर में चले जाइए, किस तरह से कपड़े फाड़ने को लेकर के कमलनाथ जी का एक वीडियो वायरल हुआ, फिर उस पर दिग्विजय सिंह के कमेंट आए, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के बड़े नेताओं की जो गुटबाजी थी वो सड़क पर आई, सार्वजनिक हुई, उसका भी कांग्रेस को नुकसान हुआ। दूसरी चीज, जगदीप भाई ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी, कांग्रेस कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है, तो देखिए ये बात बिल्कुल सही है। इस बात को कांग्रेस के बड़े नेता खुद कहते हैं कि भाई हमारी कार्यकर्ताओं की पार्टी नहीं है, हमारी पार्टी नेताओं की पार्टी है। तो देखिए उसका असर अपने को दिखाई देता है इस चुनाव में भी। भाजपा के बागी इस चुनाव में बहुत कम खड़े हुए थे, जितने खड़े हुए थे उसमें से 80% 85% को पार्टी ने मना लिया, लेकिन कांग्रेस के जो बागी कैंडिडेट चुनाव खड़े हुए हैं वो बहुत सारी सीटों पर कांग्रेस के ही कैंडिडेट को नुकसान कर रहे पहुंचा रहे हैं। तो ये दोनों तरह का अंतर पार्टी में है अपर्णा, ये साफ दिखाई देता है। दूसरी चीज, जैसे हम बोलेंगे कि मध्य प्रदेश में वेब अगर कांग्रेस के पक्ष में थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि ना तो वेब कांग्रेस के पक्ष में थी और ना वेब भाजपा के पक्ष में दिखाई। बस इसी सवाल का मैं इंतजार कर रही थी, साइलेंट वोटर, क्योंकि सर जितना मैं भी घूमी ना मध्य प्रदेश में, तो बड़ी संख्या में ऐसे मतदाता मिले जो जिन्होंने कुछ कहा ही नहीं, कहा कि हम उसी दिन बताएंगे कि हमें क्या करना है। देखिए अपर्णा जी, सबसे महत्वपूर्ण आपको बता दूं, मेरे को तो करीब 35 साल से ऊपर हो गए रिपोर्टिंग करते हुए इलेक्शन की, मतदाता कभी नहीं बोलता। अगर आप विंध्य क्षेत्र में जाएंगे, विंध्य क्षेत्र में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस है कि अगर आप वहाँ पूछेंगे कि भाई कई वोट देहा, तो वो बोलेंगे वहाँ यहाँ पे कांग्रेस पंजा के भी जोर है, कमल के भी जोर है और हाथी डिप्लोमेटिक खेलते हैं, मतलब वो आपको बेवकूफ बना देंगे। तो वो कभी ये बताएगा नहीं, मतदाता कभी नहीं बोलता। पर यहाँ सबसे महत्वपूर्ण जो बात अभी अपने जगदीप जी ने और धनंजय जी ने कही, काफ़ी कुछ सवालों के आपके जवाब इसमें आ गए हैं कि वेव नहीं थी। दूसरी जो है, जनता और ये चुनाव जो कायदे से देखा जाए तो ये चुनाव जनता और भारतीय जनता पार्टी के बीच हो रहा है। कांग्रेस किसी भी मुद्दे को प्रदेश स्तर पर ले जा ही नहीं पाई जी, या विपक्ष की जो भूमिका होती है, विपक्ष की भूमिका में न वो विधानसभा के भीतर और न बाहर सड़क पे वो इस तरह का कोई प्रदर्शन नहीं कर पाई। और कई जगह तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि वहाँ पर्चियाँ तक नहीं बटी थी, मतलब कांग्रेस के पर्चियाँ नहीं बटी।
और बीजेपी में कैडर बेस होने के कारण, आरएसएस का वहां पे सपोर्ट होने के कारण उनकी पर्चियां बड़ी व्यवस्थित तरीके से बढ़ी। कांग्रेस की कमी थी, कांग्रेस ने इस बार भी उस पर काम नहीं किया ऐसा दिखा सर। बस 30 सेकंड है मेरे पास, बहुत कम समय बचा है। अक्षत जी एक फाइनल कमेंट चाहूंगी मैं आपसे। आपने जैसे कहा कि मतदाता जो है वो बड़ा जागरूक हो गया है, जैसा कि हम जानते भी हैं कि अभी उन्होंने बात करी कि सब तरह का फायदा वो सब ले लेते हैं, लेकिन बोलते नहीं है कि किसको वोट देंगे। चुनाव के आखिरी समय में भी जिस तरह से कई पार्टियां अंतिम समय में प्रलोभन देती हैं, जैसा कि हम सब जानते हैं, तो वो फायदा दोनों पार्टियों से ले लेते हैं, लेकिन वोट उसी को देते हैं जिसको उन्हें देना होता है। और इसका उदाहरण हम पिछली बार चुनाव में देख ही चुके हैं कि 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो जहां 18 में 41% वोट भाजपा को मिला था, वही लोकसभा में 54% वोट। बिल्कुल, तो जनता है ये कुछ भी कर सकती है, और सियासत के मैच में जो गेंद होती है जनता के पाले पर ही रहती है। इसलिए 5 साल भले ही मेहनत ना करें राजनेता, आखिरी वक्त पर डोर टू डोर कैंपेन करने से भी परहेज नहीं करते हैं। हमारे एडिटर्स पोल में हमने आपको बताया कि मध्य प्रदेश के ये वरिष्ठ संपादक क्या समझ पाए हैं, क्या भाव पाए हैं, लेकिन जनता के दिल में क्या था, ईवीएम में क्या था, वो तो 3 तारीख को ही साफ हो पाएगा। और सुबह 5 बजे से ही News18 नेटवर्क पर आप देख पाएंगे ये मेगा कवरेज, महा कवरेज। आप जुड़े रहिए हमारे साथ।